नहीं भारतीय जनता पार्टी, अगर उस आदिवासी के पैर शिवराज सिंह चौहान धोते हैं तो इससे आपके पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाता है। आप ये तस्वीर सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने उन्हें सुदामा यानी आदिवासी को सुदामा बता के खुद को कृष्ण साबित कर दिया, और वो बात वहां नहीं रुकी, पूरा गोदी मीडिया शिवराज सिंह चौहान के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक बता रहा है और यह तक कह रहा है कि आने वाले चुनावों में फायदा होगा। आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। गोदी मीडिया अगर आपके पापों पर पर्दा डालेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रायश्चित हो जाएगा। मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, मैं क्यों इसे राजनीतिक नाटक बता रहा हूं, क्योंकि जब इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था तो किस अकड़ के साथ ये आ रहा था देखिए, और पुलिस इसे किस तरह से थपथपा रही थी कि आओ मेरे बेटे आओ, और उसके बाद जब अगले दिन बवाल होता है तो फिर इसे किस तरह से धकियाया जाता है, और तब शिवराज पहुंचते हैं पांव धोने। अब बताइए ना मुझे, ये राजनीतिक नौटंकी है या नहीं? पूरा मामला एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था। अब मैं आपको बताता हूं कि पापा की परियां और गोदी मीडिया दरअसल इस मुद्दे पर क्या क्या कह रहा था, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले देखिए सत्ता का यह चाटुकार, क्या मध्यप्रदेश चुनाव का गेम चेंजर हो सकती है ये तस्वीरें? क्या मामा ने वाकई डैमेज कंट्रोल कर लिया? पत्रकारिता के नाम पर झूठ बोलने वाले पत्रकार किस तरह से फील्डिंग करना शुरू कर दिए हैं दोस्तों, इसकी पहली मिसाल। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार क्या कह रहा है और इसमें कूट कूट के दौरे मापदंड भरे हुए हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये देखिए, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, ना वो किसी धर्म का होता है और ना ही वो किसी जाति का, लेकिन सत्ता लोभी कुछ एजेंडाधारी हैं जो अपराध और अपराधियों में धर्म ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना होगा। क्या भैया खुद को आईना दिखा रहे हो? सत्ता के करीब कौन है? तुम्हारे जैसे पत्रकार हैं। और मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, इनके जैसे पत्रकार मणिपुर को भूल के फ्रांस की चर्चा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर मुस्लिम एंगल दिख गया है। आज ये कह रहा है कि अपराधियों का धर्म नहीं होता है, मगर मुद्दा यह है कि प्राइम टाइम में रोज जो तुम जहर उगलते हो धर्म के नाम पर लोगों को टारगेट करते हो, क्या यह पत्रकार बतला सकता है कि कोरोना के पहले लॉकडाउन में इसने किस तरह की झूठी खबरें चलाई थी तबलीगी जमात पर? आप जानते हैं इसी पत्रकार ने यह झूठी खबर चलाई थी कि तबलीगी जमात का पाकिस्तानी लिंक है, यानी कि तबलीगी जमात जो दिल्ली में पहुंची थी उसके पीछे इसने पाकिस्तानी साजिश ढूंढ ली थी। उस वक्त मैंने इसको चुनौती दी थी कि दिल्ली पुलिस को बताओ तुम्हारे पास क्या प्रमाण है। यह बंदा चुप रहा था रोज सिवाय धार्मिक बहस के, यह कुछ नहीं करता, मगर आज देखो यह क्या बकवास कर रहा है। शर्म इनको मगर आती नहीं। रिपब्लिक भारत, मामा ने दिल जीत लिया। अब आप मुझे बताइए ना, जब मामा ने दिल ही जीत लिया तो स्वाभाविक सी बात है चर्चा किस बात की रह जाती है, डिबेट किस बात की रह जाती है। फिर पापा की परी का दर्द देखिए, कोई खान हो या कोई शुक्ला या किसी धर्म जाति से ताल्लुक रखने वाला, अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है फिर उसके घर बुलडोजर भेजकर पूरे परिवार को एक व्यक्ति के लिए सजा क्यों? बुलडोजर चले अवैध निर्माण पर, अदालत के आदेश पर फरार होने पर, मगर पिछले कुछ मामलों में मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं दिख रहा है। पापा की परी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब मुसलमानों पर बुलडोजर चलता है ना, तब यही पापा की परी उसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक बताती है। तब ये तमाम जो कड़े सवाल हैं, जो सही सवाल हैं, आज जो ये कर रही हैं, उस वक्त नहीं पूछे जाते। आज खान और शुक्ला की बात हो रही है। आज देखिए किस तरह से प्रवेश शुक्ला का पिता रो रहा है। ये बात अलग है कि ये जो रुदाली है आंखों में एक भी आंसू नहीं है। कुछ लोग इसे नौटंकी बता रहे हैं, मगर अगर ये नौटंकी है दोस्तों तो इससे बड़ी नौटंकी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और देखिए गोदी मीडिया की हरकतें आपके स्क्रीन पर। नवभारत टाइम्स, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी पेशाब कांड के पीड़ित दशमत रावत के साथ अपने निवास पर दोपहर का भोजन किया। मैंने बताया ना, पूरा चुनाव प्रचार चल रहा है दोस्तों, तमाम मीडिया में चुनाव प्रचार चल रहा है और एक के बाद एक। अब ये देखिए, तिहाड़ शिरोमणि, पुलिस ने प्रवेश शुक्ला का कॉलर पकड़ने की एक्टिंग की, शुक्र है इसे एक्टिंग तो मान रहा है। आगे देखिए, प्रवेश शुक्ला का पाप, शिवराज सिंह चौहान का प्रायश्चित। अब जब आपने प्रायश्चित बता ही दिया है तो स्वाभाविक सी बात है पाप किस बात का। न्यूज 18 मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल, सीधी कांड के पीड़ित से मिले शिवराज, सीएम ने धोए पीड़ित के पैर, सीएम आवास में पीड़ित का सम्मान। अब देखिए तमाम जगहों पर एक सी बातें की जा रही हैं, एक सी बातें की जा रही हैं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री कार्यालय के जोशी जी का टूलकिट जारी हो गया है। और फिर ये देखिए, पेशाब कांड का पीड़ित शिवराज सिंह के लिए सुदामा। मैंने कहा ना,
एक बार जब आप सुदामा कह देते हैं तो आप खुद को कृष्ण बता रहे हैं। सुदामा की क्या दुर्गति हुई थी हम सब जानते हैं दोस्तों, कि आदिवासियों की मध्य प्रदेश में दुर्दशा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मुद्दे पर हमला बोला है, क्या बोल रहे हैं आइए सुनते हैं दोस्तों। आज जो ये सीधी की घटना हुई है उसने पूरे मध्य प्रदेश को देश भर में कलंकित किया है कि आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है उनकी क्या हालात है। और शिवराज सिंह जी दित्ती नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते, उनको मतलब कैमरा से था। ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर लिए, अब ये चलने वाली नहीं है। कुछ और आंकड़े जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने होंगे। न्यूज क्लिप का ये आंकड़ा है कि आदिवासियों को जो पैसा दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा वो हर गुजरते साल के साथ नीचे होता जा रहा है। ये आंकड़े जो हैं करोड़ों में हैं। 2017-18 में मध्य प्रदेश को आदिवासियों के लिए जो आंकड़े मिले थे वो थे 4,144 करोड़। 2018-19 में कम हो गया, करीब 800 करोड़ कम हो गया दोस्तों, 3,335 करोड़। 2019-20 में यह आंकड़ा हल्का सा बढ़ता है, 3,453 करोड़। 2020-21 में और गिर जाता है, 3,207 करोड़। और 2021-22 में वो धड़ाम से गिर जाता है, 1,718 करोड़। यही नहीं दोस्तों, आदिवासियों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस कुछ सवाल पूछ रही है। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, इन सवालों के जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देने होंगे। और वो सवाल क्या हैं आपकी स्क्रीन पर। शिवराज जी, आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन है। आपके शासनकाल में 30,400 आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, साल दर साल मामले बढ़ रहे हैं। 2019 में ये आंकड़े हैं दोस्तों, 2019 में 1,922 आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, 2020 में बढ़ जाता है 2,401 आदिवासियों पर, और 2021 में आंकड़ा और भी बढ़ जाता है, 2,627 आदिवासियों पर अत्याचार हुआ। सुप्रिया श्रीनेत आगे कहती हैं, पैर धुना तो दूर, बाकी पीड़ितों की भी कोई खोज कबर तक नहीं ली आपने। आपके इस ढोंग से जनता भली भांति वाकिफ है, झोला उठाने की तैयारी कीजिए। दिक्कत यही है दोस्तों कि मध्य प्रदेश को झोले का डर सता रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त झूठम पैजार चल रही है। अंदरूनी कला जो है वो तमाम रिकॉर्ड्स पार कर रही है, ऊपर से इस तरह की जो तमाम घटनाएं हैं। साथ ही कांग्रेस का जो कैंपेन है वो बहुत ही फोकस्ड है इस वक्त कमलनाथ के नेतृत्व में। प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार जा रही है मध्य प्रदेश, हर महीने वो मध्य प्रदेश जा रही है, हर 15 दिन वो मध्य प्रदेश जा रही है, यानी कि कांग्रेस की तैयारी अभी से दिखाई दे रही है। अगर कांग्रेस कुछ गड़बड़ नहीं करती तो यकीनन मध्य प्रदेश में उसके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। मगर आप जानते हैं कांग्रेस वो पार्टी है जो हाथ आई जीत को भी कई बार गंवा देती है, ढेरों मिसालें हैं उसकी, वो एक अलग बात है। इसीलिए बीजेपी बौखला गई है, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान अपने घर में बुलाकर उनके पांव धोते हैं, इसीलिए वो खुद को श्री कृष्ण बताते हैं। मुद्दा यह है और उसके अलावा कुछ नहीं।